नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। तो खबर आजमगढ़ से, जहां सपा प्रत्याशी लोकसभा आजमगढ़ सदस्य धर्मेंद्र यादव का रोड शो गुरुवार को अपराह्न करीब 2 बजे हर्रा की चुंगी से निकाला गया। आपको बता दें तो रोड शो में वाहनों का काफिला लगा हुआ था। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से काफिला लगा हुआ है। और मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने, आप सुनिए। आपका रोड शो भी था, क्या जनसंपर्क मिला इसमें? ऐतिहासिक था, आपने स्वयं कवर किया है, देखा होगा, महसूस किया होगा कि लोगों का किस कदर समर्थन मिल रहा है। और मैं सोचता हूँ इस समर्थन की दम पर दे रहा हूँ, आजमगढ़ के लोग ऐतिहासिक वोट दे। आप अकेले थे, उधर से बीजेपी के सारे सुपरस्टार भी आए थे, फिर भी आपका रैली सफल रहा। कौन जा रहा है आजमगढ़ के लोग रोटी से नहीं लेते, यहाँ जाने कितने आए, जाने कितने चले गए। आजमगढ़ के लोग राजनीतिक केवल के लोग हैं, देश के लिए चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं। यहाँ किसी का ग्लैमर नहीं चलता है, यहाँ खांटी देश की सेवा कैसे होगी, लोगों की सेवा कैसे होगी, किसानों की सेवा कैसे होगी, नौजवानों की सेवा कैसे होगी, वो खांटी लोग हैं यहाँ। आजमगढ़ में सोच रहे हो कि लोगों के चेहरे दिखा के वोट ले लोगे तो नहीं मिलने जा रहे। क्या संदेश देना चाहेंगे 25 मई को जनता को? 25 मई को हम क्या संदेश देंगे जनता में? पहले से संदेश है, 25 मई भाजपा गई, यही मूल संदेश है। बाकी इससे, इस संदेश के लिए बहुत सारी चीज़ें वो अलग है।